हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र। आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप शो गाइस। शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोडी रोशन भाभी से कोई बात छुपा रहा है और उस बात को जानने के लिए रोशन सिंह सोडी ने रोशन भाभी को एक हिंट दी है। उस बात को सुनने के बाद रोशन भाभी को खुशी भी होगी, गुस्सा भी आएगा और दुख भी होगा। सुबह इस बात को रोशन भाभी ने पूरी महिला मंडल के साथ शेयर किया है। लेकिन गाइस, इसी के साथ इस एपिसोड में दो बातें जो कि मुझे काफी ज्यादा अजीब लगी एंड आई होप आपने वो बातें नोटिस जरूर की होंगी। सो गाइस, सबसे पहली बात, जब गोकुलधाम के महिला मंडल रोशन भाभी के घर पर इकट्ठी होती है तो वो रोशन भाभी का मूड ठीक करने के लिए टीवी देखती है, लेकिन टीवी पर वो खबरें आती है जिससे रोशन भाभी और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन गाइस, अगर आपने देखा हो तो जो चैनल महिला मंडल ने सेट किए थे उन पर कोई लोगो नहीं था, यानी कि वो कौन से चैनल थे इसका कुछ पता ही नहीं है। भाई, कायदे से हर चैनल के नाम होते हैं, उनका एक लोगो होता है, लेकिन उस चैनल पर ना तो कोई नाम था और ना ही कोई लोगो। काफी दिनों के बाद गोकुलधाम में सब्जी वाली सब्जी बेचने के लिए आती है और वो सिर्फ उन्हीं का नाम लेती है जो कि गोकुलधाम सोसाइटी में है, यानी कि अंजलि भाभी, कोमल भाभी, रोशन भाभी एंड बबीता जी। लेकिन सब्जी वाली दया भाभी का नाम नहीं लेती, यानी सब्जी वाली को पता है कि दया भाभी अभी तक नहीं आई है। और बड़ी अजीब बात है, गोकुलधाम में मात्र इन 4-5 लोगों को सब्जी लेनी होती है और गोकुलधाम मात्र 4-5 परिवार ही है जो कि सब्जी लेने के लिए आते हैं। सो गाइस, ये दो बातें जो कि मुझे इस एपिसोड में काफी अजीब लगी एंड आई होप आपने ये बातें नोटिस जरूर की होंगी। सो गाइस, अगर आपने इसके अलावा कोई और बात नोटिस की तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।